नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सऊदी अरब में मामू। मेरे साथ पढ़ने वाला एक मित्र अचानक दुबई चला गया था और लौट के आया 5 साल बाद। हालांकि फेसबुक पर लगभग रोज़ बात होती रहती थी, फिर भी 5 साल बाद जब वह वापस आया तो हम सभी मित्र मंडली ने उससे पूछा, और बताओ कैसी है अरब की ज़िंदगी। उसने जो जवाब दिया उसी की भाषा और लहजे में आपके सामने रख रहा हूँ। 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारना, दूसरा तीसरा साल की कमाई बहनों की शादी की भेंट चढ़ गया, चौथे साल कुछ बचत करके आने का सोचा तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी आने की। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊँ, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा, भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार बाकी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, अब यहीं कुछ कर लेंगे। आने के बाद दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजों के हाथ पर 100 रुपये रख कर चला आया। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने पर पास के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी ये बहना जो कुछ ज़्यादा नज़दीक है कुछ नहीं बोलेगी। घर वापस होने पर भांजे के हाथ पर कुछ भी नहीं रख पाया। घर पहुंचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फ़ोन आया था, बोली भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथ पर 100 रुपल्ली रख कर गया, इतना तो हम फ़कीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपये भी रख देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी ससुराल में, खाली हाथ चले गए। अब मैं वहाँ खड़ा अपने पिछले 5 साल की कमाई का हिसाब लगा रहा था। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं बल्कि पैसे कमाने वाले ज़्यादातर आदमियों का यही हाल है। आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान, लेकिन किसी कारणवश आज आप नहीं कमा रहे तो यह सब मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।